ट्रांसपोर्ट नगर थाना पुलिस ने सेठी कॉलोनी में बाल संप्रेक्षण गृह से गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के शूटर सहित 23 बाल अपचारियों के भागने के मामले में 4 कर्मचारियों सहित 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में संप्रेक्षण गृह के 2 गार्ड, 2 केयर टेकर व 1 भागने वाला बाल अपचारी है, जो 3 फरवरी को ही 18 वर्ष का हो गया। केयर टेकर व गार्डों की भूमिका संदिग्ध है और वारदात में उनकी मिली भगत के साथ लापरवाही भी सामने आई है। गैंगस्टर लॉरेंस के बीकानेर निवासी शूटर की तलाश में अलग अलग टीम लगी है। SOG व पुलिस मुख्यालय की एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स भी शूटर बाल अपचारी की तलाश में लगी है। अभी भागे हुए कुल 18 बाल अपचारियों की तलाश जारी है। पुलिस पकड़ में आए बाल अपचारियों ने पूछताछ में बताया कि गैंगस्टर लॉरेंस के बीकानेर निवासी शूटर बाल अपचारी ने ही भागने की साजिश रची थी। शूटर बाल अपचारी ने अपनी गैंग बना ली थी। उसकी बाल अपचारियों की पूरी गैंग उसके साथ भाग गई थी। पकड़ा गया एक बाल अपचारी उसकी गैंग का सदस्य बताया जाता है। गैंगस्टर लॉरेंस की गैंग वसूली के लिए नाबालिग को शूटर के रूप में काम में लेती है, ताकि पुलिस की पकड़ में आने के बाद नाबालिग को सजा न हो सके। गैंग में शामिल कई नाबालिग पहले भी पकड़े जा चुके हैं। बीकानेर पुलिस अलर्ट मोड पर फरार हुए बाल अपचारियों के बीकानेर की तरफ होने की सूचना मिलने के बाद बीकानेर पुलिस अलर्ट मोड में आ गई है। जिला पुलिस की स्पेशल टीम ने बीकानेर में उसके ठिकानों और पुराने साथियों पर भी निगरानी बढ़ा दी है। दरअसल यह वही अपचारी है जिसके लिंक सीधे तौर से गैंगस्टर रोहित गोदारा से जुड़े हुए हैं। मुक्ता प्रसाद कॉलोनी के इसी बाल अपचारी ने बीकानेर के नामी कारोबारी को रंगदारी वसूली के लिए जान लेने की धमकी दी थी। करीब 1.5 साल बीकानेर संप्रेक्षण गृह में बिताने के बाद जमानत पर रिहा होते ही गैंगस्टर रोहित गोदारा के खास गुर्गे ऋतिक बॉक्सर के कहने पर इसी बाल अपचारी ने हरियाणा और यूपी के 4 शूटों के साथ जयपुर के बहुचर्चित जी क्लब फायरिंग कांड को अंजाम दिया था। इस जी क्लब फायरिंग कांड में पकड़े जाने के बाद जयपुर के बाल संप्रेक्षण गृह में बंद था।